वेरिफिकेशन के बाद वैलिडेशन आती है, और वैलिडेशन बहुत अहम हिस्सा है किसी भी सिमुलेशन मॉडल को अगर हमने वैलिडेट करना है तो टू बेसिक टाइप से हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं, एक है मैक्रो वैलिडेशन और एक है माइक्रो वैलिडेशन। माइक्रो मींस बारीक वैलिडेशन, मैक्रो मींस बड़ी वैलिडेशन जिसके थ्रू हम बड़ी चीजों को चेक करते हैं। सो ये दोनों बातें क्या मतलब है, ये बात हम देखना चाहेंगे। सो एजेंट बेस्ड मॉडल जो होते हैं वो उनकी एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि वो एजेंट्स की बेस पे बनते हैं, यानी उसमें बहुत सारे एजेंट्स हैं और वो रियल वर्ल्ड से समहाउ कोरिलेट करते हैं। सो हम उन एजेंट से पूछ सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रियल वर्ल्ड के साथ मैच करती हैं या नहीं, और यही बातें हमें वैलिडेशन समझाती हैं। नाउ एक बात ज़हन में रहे, रियल वर्ल्ड से एग्जैक्टली मैच नहीं करती। मसलन अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करें तो वो थ्री डायमेंशन में चलती हैं। अब हमारे मॉडल के अंदर जो एजेंट्स हैं वो थ्री डी में जरूरी नहीं चलें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा मॉडल वैलिड नहीं है। सेकेंडली हम बना भी सकते हैं थ्री डायमेंशनल मॉडल अगर जस्ट टू सी कि आप देखेंगे वो रेलेवेंट जो टू डी मॉडल है उससे कोई डिफरेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। एक और बात जो देखने वाली है वो ये है कि मल्टीपल एजेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप जा रही है, क्या वो रिलेशनशिप ग्लोबल पैटर्न के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। यानी एक ऐसा बिहेवियर जो इमरजेंट है वो रियल वर्ल्ड में था वो इसके अंदर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्रो वैलिडेशन। सो मैक्रो वैलिडेशन हमारा ये बताता है कि जिस कॉन्सेप्ट की बेस पे हम अपना सारा काम कर रहे थे क्या वो रियल वर्ल्ड के जो मॉडल है उसके हिसाब से डिस्क्राइब करता है या नहीं करता। यानी रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हमारी मॉडल एक खास अंदाज में बिहेव कर रहा है तो क्या हमारा मॉडल भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए या नहीं। सो व्हाट मैक्रो वैलिडेशन टेल्स अस इज कि हमारे पास हमने मेन सिस्टम के चीदा चीजें उनको कैप्चर किया है कि नहीं, जबकि माइक्रो वैलिडेशन ये बताता है कि इंडिविजुअल एजेंट्स के अंदर आपने जो चीदा चीजें हैं वो कैप्चर की हैं कि नहीं। सो यानी टू लेवल्स हैं, यानी एब्स्ट्रैक्शन के, या माइक्रो यानी एजेंट बेस्ड वैलिडेशन और मैक्रो मींस के पूरा जो सिस्टम है उसका बिहेवियर उससे मैच करता है या नहीं। सो हियर इज एन एग्जांपल, वी सी देयर आर टू मिनी फ्लॉक्स। यहां पे आप देखें ये बिफोर कुलियन है, जब ये फ्लॉक इसके करीब आ गया आफ्टर कुलियन तो ये मर्ज हो गए। इस तरह की चीजों को एग्जामिन करना कि ये बिहेवियर जैसे रियल वर्ल्ड में होता है क्या उससे मैच करता है या नहीं। सो वी हैव सीन द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो वैलिडेशन, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज नीड फॉर बोथ ऑफ देम।